हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का चीला जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। सूजी का चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च और एक गाजर। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक या मोटी। उसमें डालेंगे एक टीस्पून नमक, आधा कटोरी दही, मैंने यहाँ पर खट्टा दही यूज़ किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है। हमें एकदम से पूरा पानी नहीं डालना है, इसका हमें थिक बैटर बनाकर तैयार करना है। देखिए, हमारा बैटर अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, तो हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए, हमारा बैटर अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें हमारी सारी सब्जियां मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी धनिया लिए। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी सब्ज़ी इसमें मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इन सब सारी सब्जियों को मिलाने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसका थिक बैटर बनाकर अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम बनाएंगे हमारा तड़का। इसके लिए मैं एक तड़का पैन लूँगी, उसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम उसमें 1 टेबल स्पून राई और 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते। ये हमारा तड़का बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको हमारे सूजी के बैटर में मिक्स कर लेंगे। तड़के को हमारे सूजी के बैटर में मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा बैटर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आइए हमारे चीले बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक तवा लिया है, इस पे हम 2 टेबल स्पून तेल डालकर अच्छे से पूरे तवे पर फैला लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम उस पे हमारा सूजी का बैटर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा कर ही डालना है और इसको अच्छे से हम फैला देंगे। सूजी का चीला बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको हम सुबह के नाश्ते या फिर हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं। अब हम चीले के दूसरे साइड भी तेल डाल लेंगे। इसको हमें दोनों साइड से अच्छे से सेंकना है और मीडियम फ्लेम पर ही सेंकना है। दोस्तों, देखिए यह नीचे से अच्छे से पक गया है। अब हम इसे पलटकर दूसरी साइड भी सेंक लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा चीला बिल्कुल बनकर तैयार है। आप भी इस चीले को अपने नाश्ते में बना सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।